इस सरकार में आपने देखा होगा 10 सालों में मोदी सरकार ने एक भी पीएसयू नहीं बनाई, एक भी पीएसयू नहीं बनाई। और जैसा कि अगर आप देखेंगे कि सीपीआई की सेक्रेटरी साहब ने बोला था आर मुसरन ने कि 23 पीएसयू जो प्राइवेटाइज कर दी गई है, क्या मैं गलत कह रहा हूं? तीसरी बात, एक आप कोविड काल में 25 एमएसएमई बंद कर दी गई, 25,000 एमएसएमई बंद हुई है। और अगर 2023 में देखेंगे तो 22 के मेरी पूरी बात होने दीजिए, आप टोकिए मत, मैं उस पे आऊंगी मेरी बात। अनुराग जी, मैं कह रही हूँ पीएसयू का चंक अलग से रखा हुआ है। अनुराग जी, पीएसयू का चंक अलग से रखा है, पीएसयू पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ एक मिनट आप रेलवे पर बात करें। अनुराग जी भाई, दादागिरी नहीं है, मैंने जो पहला सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना। कोई बैटिंग नहीं, मैं तथ्यों की बैटिंग करने आई हूँ। और सुनिए, मैं तथ्यों की बैटिंग कर रही हूँ, मैं बोलने दूंगी। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट आप कीजिए पोल। मैं तो चाहती हूँ पोल खोले आप, तथ्यों से आप जिसकी पोल खोलना चाहते हैं खोल दीजिए। एक मिनट का टाइमर दे रही हूं मैं दोबारा। ऐसे बकबक करने से कुछ नहीं चलेगा, मैं फिर आपको रोक रही हूं। मैं कह रही हूं जनता को, हम लोगों ने पीएसयू पर भी, नौकरी पर भी, आरक्षण पर भी और रेलवे पर भी सब तैयारी की हुई है। मैं चाहती हूं पहले रेलवे नहीं, चलिए पीएसयू वाला बैंड चलाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए आसान कर रही हूँ। मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ, मैं पीएसयू पर बात करती हूँ। क्या पीएसयू, क्या रेलवे वाली बात अभी ये तैयारी के साथ नहीं आए, क्या पीएसयू बेच दिया गया है? अनुराग भदौरिया, आपकी आसानी के लिए मैं अब इसी बिंदु पर शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है? क्या पीएसयू बेच दिया गया है? एक मिनट का टाइमर शुरू करते हैं। ढांचागत क्षेत्र में 100% एफडीआई लेके आए रेलवे में, ये 2019 आपको मैं क्या अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे झूठ साबित कर दीजिए। अब रेलवे पे आए ना 100%, अरे पीएसयू पर आओ ना, क्षेत्र में 100% एफडीआई लेके आए। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आपकी, मैं गलत कह रहा हूं बताइए आप। बोलने नहीं देंगे, हल्ला मचाना शुरू कर देंगे बीजेपी की तरफ से, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। क्या हम आपके मतलब की बात होगी, आप चिल्लाना शुरू करेंगे? मैं तो तथ्य पे आपको बताऊंगा ना। और 5 जुलाई 2019 में पीएसयू में अपना निवेश 51% से कम लेने का फैसला किया गया। आपने देखो आईडीबीआई कितना परसेंट का हो गया, 49% सरकार का बचा, कितना होता था 63% होता था। एससीआई कितना था 63% तो होता था, उसको भी कम करने की कोशिश की। कौन CON, इसका क्या था, यहाँ पे इनकी 33% आपने इसका शेयर बेच दिया, प्राइस को दे दिया। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 सालों में देश में पीएसयू तो नहीं क्रिएट किए बट प्राइवेटाइज कर। ओके सर, टाइम अप हो गया। आपने पीएसयू पर तथ्य दे दिए हैं, आंकड़े बता दिए, अब एक मिनट शहजाद पूनावाला, पीएसयू की कहानी क्या है, कौन झूठा कौन सच्चा अभी क्लियर हो जाएगा। पीएसयू बेच दिया आपने सारे। सबसे पहले रूबिका जी, आपको और न्यूज 18 इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आगे का एक डिबेट इसी पर रखा कि कल जो बातें कही गई थी उसका फैक्ट चेक हो। फैक्ट चेक नंबर 1, रेलवे का निजीकरण हुआ है, इस पर कोई तथ्य नहीं दे पाए, कौन सी रेलवे ट्रेन, कौन सा सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ है, अनुराग जी नहीं दे पाए। अब पीएसयू पे आ गए, पीएसयू का फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। पीएसयू की संख्या 2014 में 234, आज 254। पीएसयू की नेट प्रॉफिट 1.25 लाख करोड़ 2014 में, आज 2.5 लाख करोड़। पीएसयू का नेटवर्थ जो था वो 82% बढ़ा है, 9.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज 17.5 लाख करोड़। जहां तक विनिवेश और डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, 2014 से पहले कहां पर हुआ ये सुनिए। एनएचपीसी, बीएचईएल, ईआईएल, एनएमडीसी, सीपीएसआई, पीजीसीआई, एमएमटीसी, एचसीएल, एसटीसी, एनएलसी, इन सारी पीएसयूज को या तो डिसइन्वेस्ट या प्राइवेटाइज यूपीए के ज़माने में किया गया। कल उन्होंने एयरपोर्ट का भी बोला था, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने प्राइवेटाइज किया। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी बात को फिर से रखता हूँ और सवाल पूछता हूँ कि रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन किया गया ये उन्होंने कहा था, उसका प्रमाण कहाँ है? ओके, रेलवे पर आऊंगी मैं, वो चैप्टर शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले वरुण जी तथ्य दीजिए, एक मिनट का वक्त आपको दे रही हूँ। क्या पीएसयू बेच दिए गए? आज यहां शहजाद पूनावाला बता रहे हैं कि पीएसयू की संख्या तो बढ़ गई है, 234 से 254 हो गई है।
नहीं, पीएसयू की संख्या बढ़ गई है, दो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा है पीएसयू की संख्या जो ये बता रहे हैं। लेकिन जो जड़ है इस चीज की, जड़ है निजीकरण क्यों हुआ। निजीकरण इसलिए हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी लाए वो क्यों लाए, उस समय प्रेशर हो गया था सोवियत संघ के टूटने का। उस समय नरसिंह राव जी के जमाने में 1987 में जब गेट समझौता दस्तखत किया था उस समय भी ये सारे प्रश्न उठे थे। हमारे विद्वान सांसद थे, कई अब नहीं रहे, उन्होंने बहुत डिस्कशन किए थे। तो ये सारी जो जड़ है ये उदारीकरण और वैश्वीकरण की है। जब मनमोहन सिंह जी ने डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की उससे ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम क्योंकि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी देश में, सारे पीएसयू बनाने का समाजवादीकरण था देश का, मैं तो यूं कहूंगा, उसके कारण से सभी पीएसयू बनाए जाते थे। उसके बाद वो सोच बदली और प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। प्राइवेटाइजेशन होने से पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करो और एफडीआई लाओ, ये जो कॉन्सेप्ट आया उसकी बात, ये सारा झगड़ा उस चीज का है। तो ये निजीकरण को रोकना होगा, पूंजीवादी सोच को रोकना होगा, क्योंकि नेहरूवियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ही देश के सर्वाइवल के लिए सबसे उपयुक्त है।